चलो यार देखो, एक क्वेश्चन ये जो कल जो दिया था मैंने, उसमें टेंशन निकालने वाला, यहाँ पे एक 5 kg का ब्लॉक था, इससे मैंने एक 10 kg का ब्लॉक कनेक्ट किया था, और इसके साथ एक और 5 kg का ब्लॉक कनेक्ट कर रखा था मैंने। इस वाले पे इधर के डायरेक्शन में मैं शायद 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 100 न्यूटन ही लगाया था, 100 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा था ना उस पे। हाँ, 100 न्यूटन का लग रहा था, और इधर की तरफ कितना 20 न्यूटन लग रहा था, और एंगल कितना 37 डिग्री। ठीक है, चलो यार अब एक बार देखो, इस 37 डिग्री के एंगल पे जो लग रहा है उसका कंपोनेंट अगर हम निकाले तो इधर की तरफ कितना आएगा, 20 cos 37 डिग्री। 20 cos 37 यानी 20 * किसके बराबर, 4/5 यानी 16 न्यूटन, और इधर की तरफ किसके बराबर, 20 sin 37 जो कि 12 न्यूटन के बराबर आएगा, यानी ऊपर की तरफ नॉर्मल एक लगेगा और नीचे के डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, चलो अब एक बात देखो, ऊपर के डायरेक्शन में अगर कुछ किसी ने नॉर्मल पूछा, ये नॉर्मल, ये जो फोर्स का जो कंपोनेंट है वो 50 से कम है तो ये ऊपर तो उठेगा नहीं, तो नॉर्मल किसके बराबर, 50 - 12 यानी 38 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद ऊपर वाला बाकी सारा फोर्स तो सब इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो देखो यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर 16 लग रहा है, उधर कितना लग रहा है, 100। तो तीनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे तो तीनों को मैं पहले एक ब्लॉक ले लूंगा, और कितना 20 kg का ब्लॉक है हो जाएगा, इधर की तरफ 100 लग रहा है और पीछे के डायरेक्शन में 16 न्यूटन, यानी नेट फोर्स कितना, 84 न्यूटन के बराबर। तो A = 84/20, इतना m/s² ये किसके बराबर हो जाएगा, और 4.2 m/s² यही आएगा। अब एक बार देखो, जो भी टेंशन T1 T2 वगैरह निकालना है, ये T1 ये T2, ठीक है, तो किसी एक ब्लॉक को ले लो, यहाँ से 5 kg का ब्लॉक ये लिया अपन ने, इधर की तरफ 100 न्यूटन लग रहा है और इस पीछे की तरफ लग रहा है T2। ठीक है, 5 kg का ब्लॉक है, T2 लग रहा है, अब ये इधर की तरफ जा रहा है कितने से, 4.2 से, मैं क्या करूंगा, तो 100 - T2 = 5 * 4.2, यहाँ से T2 निकल जाएगा। चाहो तो इस 5 kg का FBT बनाओ, ये 5 kg पे इधर की तरफ T1 लगेगा, इधर की तरफ 16 न्यूटन और इधर की तरफ एक्सेलरेशन ए, क्या लिखेंगे, T1 - 16 = 5 * a के बराबर, वहां से T1 निकल जाएगा। कितने लोगों का सही है फटाफट रिप्लाई करो, आगे बढ़ते हैं, कितने लोगों का सही है फटाफट रिप्लाई करो, आगे बढ़ते हैं अपन। इक्वेशन लिख दिया मैंने, बाकी यार अब सॉल्व करना ये आपका काम है बेटा। चलो देखो, अब यहाँ से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला सवाल बेटा, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो एक और नॉर्मल वाला सवाल दिया था, वो भी हो गया है। चलो यार एक और अगला सवाल ये दिया हुआ है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक रॉड है जिसका मास कितना है, कैपिटल एम, लेंथ कितना है, एल के बराबर। मास कितना है, कैपिटल एम, लेंथ एल, और इसके ऊपर एक एफ फोर्स लगा रहे हैं, हमें यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे टेंशन की वैल्यू निकालो, इस वाले पॉइंट पे टेंशन टी की वैल्यू निकालो, फटाफट निकालो इस पॉइंट पे टेंशन टी की वैल्यू। बेटा आप लोग देखो, मैंने अभी बताया था कि जिसको जो पॉसिबल है जिसके साथ जिसके लिए, वो आप आ जाया करो सेंटर पे ही, अगर आप पॉसिबल नहीं है आप ना बिल्कुल दूर के हो तो आप भेज के थोड़ी देर एक मतलब रुक जाया करो, क्योंकि दिन भर यहाँ पे बच्चे रहते हैं, इनके ही डाउट्स देखने रहते हैं। ठीक है, चलो फटाफट करो, ये फटाफट करो, यहाँ पे रॉड है, इसके ऊपर एक एफ फोर्स लग रहा है, इसका मास एम है, लेंथ एल है, टेंशन टी की वैल्यू एट अ डिस्टेंस एक्स, टी की वैल्यू निकालनी है, देखो फटाफट निकालते जाओ, टेंशन टी की वैल्यू निकालनी है एट अ डिस्टेंस एक्स, जिनका आंसर आ जाए एक बार यस का मैसेज भेज देना। एफ फोर्स लग रहा है, मास कैपिटल एम, लेंथ एल है, एक्स डिस्टेंस पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है। नहीं ये, हाँ
बेटा एक बार देखो, यहाँ से एक रॉड के ऊपर है, देखो ये सवाल आना ही था, ये मैं सोच भी रहा था ये अभी तक आया क्यों नहीं। एक बार देखो, अगर मैं ये इस ब्लॉक की बात करूँ, इससे इधर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इससे इधर की बात करूँ तो ये इसका मास कुछ स्मॉल एम डैश होगा। अब ये स्मॉल एम डैश को कौन एक्सेलरेट कराएगा अगर टेंशन क्रिएट नहीं हुआ तो? एक बार सोचो, ये रॉड के अंदर भी तो टेंशन प्रोड्यूस हो सकता है। एक बार देखो, अगर इस मास को एक्सेलरेट कराना है सेम एक्सेलरेशन से, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, और कोई ना कोई फोर्स लगेगा तो टेंशन तो आएगा ही। और कौन सा फोर्स हो सकता है इसमें? फटाफट निकालो एक बार, कौन सा? जितने लोग निकाल सकते फटाफट निकालो एक बार। चलो यार, अब एक बार देखते हैं सॉल्व करेगा। बेटा अभी तक बस 15 यार, फट सभी रिप्लाई किया करो यार, पता है आप लोग ले करके क्वेश्चन बैठा मत करो, फटाफट एक्टिव होके सॉल्व किया करो। ट्राई करोगे, जितना अच्छे से ट्राई कर पाओगे उतना ही अच्छे समझ भी आएगा। चुपचाप बैठे रहोगे लगेगा हाँ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आएगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान रखना, सवाल सॉल्व जरूर किया करो आप लोग। चलो यार, अब एक बार देखते हैं, अब एक बार इस तरीके का, जैसे मान लो मेरा ये कहना है कि या तो आप इस वाले पार्ट का एफबीडी बना लो, ठीक है, इस वाले पार्ट का या फिर इस वाले पार्ट का। पहले एक बार सोचो, क्या पूरे रॉड का एक्सेलरेशन सेम? पूरे रॉड तो एक ही एक्सेलरेशन से जाएगा, तो यहाँ से ए इक्वल टू में क्या लिखूंगा? एफ अपॉन एम के बराबर, ठीक है, एफ अपॉन कितना? कैपिटल एम के बराबर, यही एक्सेलरेशन होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट का FBD बना लेता हूँ, इस वाले पार्ट का FBD बनाऊं तो इसके ऊपर एक टेंशन इधर की तरफ लगेगा जो कि इसको एक्सेलरेट कराएगा इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से। मान लिया टेंशन टी, इसका मास मैंने मान लिया एम डैश के बराबर, टी इक्वल टू हमारा सवाल ये हो जाएगा एम डैश इंटू ए के बराबर। बस करना कुछ नहीं है, एम डैश की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो, एल लेंथ का मास किसके बराबर? कैपिटल एम। तो यूनिट लेंथ का मास एम बाई कैपिटल एल। तो ये अगर एक्स डिस्टेंस है तो ये वाला कितना डिस्टेंस होगा? तो एल माइनस एक्स के बराबर। तो एल माइनस एक्स डिस्टेंस का जो मास होगा लेंथ का, वो किसके बराबर? तो एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स के बराबर। बस यहाँ पे उठा के पुट कर दो, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू ए की वैल्यू एफ बाई कैपिटल एम, बस यही आंसर हो जाएगा। कितने लोगों का सही है फटाफट बोलो, कितने लोगों का सही है? चलो यार, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक जो है नॉर्मल, अपने पास हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने देख लिया, अब थोड़ा पुली वगैरह पे बात करें, पुली वगैरह के ऊपर। ये हमारा होता है एटवुड मशीन भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, ये एटवुड मशीन। ये एटवुड मशीन क्या है? जैसे मान लो एक सिंपली एक पुली रहेगा, और पुली से ये दो मास हैंग कर रहे होंगे, ठीक है। ये मान लो अपने पास एक मास M1 है और दूसरा अपने पास ये मास M2 है। ये जो अपने पास जो सेटअप होता है ये हमारा क्या कहलाता है? एटवुड मशीन। हो सकता है इसमें नंबर ऑफ पुली भी बढ़ा सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ब्लॉक्स वगैरह और ऐड करके इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ पुली और ब्लॉक्स। ये हमारा एक सिंपल स्ट्रक्चर जो सिस्टम जो रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? एटवुड मशीन। अब एक बार देखो, इस वाले केस में देखे, मान लिया हमने एक ब्लॉक यहाँ पे ले लिया, ये ले लिया हमने 2 kg का। पहला सवाल थोड़ा आसान दे रहा है ताकि जिनको अगर नहीं आता है वो एक बार सॉल्व कर ले, बाकी लोग फटाफट यहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। ये 5 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो। इस वाले रस्सी में मान लो T1, इस वाले रस्सी में T2, फटाफट सॉल्व करना शुरू करो बेटा। ये अपने पास आता है इस तरीके की चीजें, फटाफट एक बार ट्राई करो। एक बार 2 kg का, 3 kg, 5 kg मैंने हैंग कर रखा है, मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन निकालो T1 T2। कुछ नहीं करना, एक तो FBD बना करके करो, दूसरा एक और तरीका मैं बताऊंगा, फटाफट सॉल्व करो अगला सवाल। अब आगे थोड़ा अच्छे सवाल ही करने वाले हैं। यहाँ पे 2 kg, 3 kg, 5 kg एक्सेलरेशन, T1 T2, ये सब एक्सेलरेशन, क्या सबका एक्सेलरेशन सेम?
एक्सेलरेशन A T1 T2 जिनका हो जाए एक बार यस का मैसेज भेज दिया करो फटाफट। एक्सेलरेशन A T1 T2 ये रस्सी सेम है इसमें टेंशन सेम, ये रस्सी अलग है उसमें टेंशन अलग। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 6। चलो देखते हैं बाकी T1 T2 की वैल्यू निकालो, T1 T2 की वैल्यू निकालो। चलो देखो अब यहां से देख लो एक एक करके हम लोग अगर FBD बनाए सबका, ठीक है। तो मान लो अपने पास इस पे नीचे के डायरेक्शन में एक 50 लगेगा, ऊपर कितना T2, इस वाले पे एक नीचे लगेगा T2 और नीचे लगेगा 30, फिर ऊपर की तरफ एक T1 लगेगा, यहाँ नीचे 20 और ऊपर की तरफ T1। FBD में किसी को कोई डाउट, पहले एक बात बताओ यार FBD में किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट बोलो। FBD बनाने तो आना चाहिए, ये सब सवाल हम लोग FBD ड्रॉ करने वाले में कर चुके हैं, ठीक है। अब एक बात देखो यार, हमें पता है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा सेम, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम। मान लेते हैं ये इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ज्यादा हुआ आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हो, ठीक है। अगर हमने उल्टा माना है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसकी टेंशन आप यहाँ पे मत लेना। चलो यार 5 kg का अगर हम लोग FBD ड्रॉ करें, 5 kg का इक्वेशन लिखे क्या होगा, नीचे की तरफ 50 माइनस ऑफ T2 इक्वल्स टू 5 × A इक्वेशन 1। इसका इक्वेशन लिखे नीचे जा रहा है तो T2 प्लस 30 माइनस ऑफ T1 इक्वल्स टू 3A के बराबर इक्वेशन 2। तीसरा इस वाले का देखें तो ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये नीचे तो ये ऊपर, तो चलो भाई T1 माइनस 20 इक्वल टू 2A के बराबर इक्वेशन 3। तीनों ऐड करो, ये सारे टेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा अपने को, तो 50 प्लस 30 80 माइनस 20 60 इक्वल्स टू किसके बराबर, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10A के बराबर। तो A इक्वल्स टू 6 m/s² इस वाले इक्वेशन में पुट करें तो क्या मिलेगा अपने को, 50 माइनस T2 इक्वल्स टू 30, यानी T2 इक्वल्स टू 20 N। T2 20 N आ गया, तो बस यहाँ से पुट करो अपना T1 निकल जाएगा। चलो अब एक बात देखो यार, इसमें क्या रहेगा, एक थोड़ा सिंपल अपना तरीका क्या होगा कि इस वाले सवाल में कि जब आप नेट पुलिंग फोर्स ए की वजह से ए के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन कितना टोटल मास, जब सारे ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हो तो उस केस में हम लोग ये चीज लगा सकते हैं। नेट पुलिंग फोर्स कैसे निकालेंगे, जरा यहाँ से ध्यान से देखो, ये इसको एक पुलिंग, ये जो 50 N इसको पुल कर रहा है, 30 N पुल कर रहा है, ये टेंशन तो इंटरनल हो गया, ये टेंशन अपना, ये हमारा 50 N इधर पुल कर रहा है, 30 इधर पुल करना चाहता है और 20 इसको ऐसे ले जाना चाहता है। तो नेट पुलिंग फोर्स किसके बराबर, तो 50 प्लस 30 माइनस ऑफ 20 अपॉन टोटल मास कितना, तो 5 × 3 = 8 × 2 = 10 6 m/s². क्या ये समझ आया सभी को, हाँ या ना, पहले ये बताओ क्या ये क्लियर हुआ। आपने 50 इधर की तरफ खींचेगा, 30 इधर की तरफ, 80 और 20 अपोजिट डायरेक्शन में। 50 एक बार सोचो, 50 नीचे खींच रहा है, 30 नीचे खींच रहा है, 80 तो 80 इसको इधर खींचना चाहता है और 20 इधर की तरफ, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो 50 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन टोटल मास, ठीक है। ये तब होगा जब एक ही सबका एक्सेलरेशन अगर सेम हो, उस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब एक बात देखो अगला सवाल, मान लो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आते हैं हम लोग बात करने, ठीक है भाई। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चलो यहाँ से देखो, ये मान लो 10 kg का ब्लॉक हो गया, यहाँ से ये अपना पुली हो गया और यहाँ से एक ब्लॉक मैंने हैंग कर रखा है, मान लो 4 kg का ब्लॉक हैंग किया हुआ है, ये एंगल 37 डिग्री। अब एक बार देखो यहाँ पे, चलो फटाफट एक्सेलरेशन और टेंशन निकालो, एक बार यहाँ से एक्सेलरेशन और टेंशन, यहाँ से निकालो एक बार एक्सेलरेशन और टेंशन, 10 kg का ब्लॉक, 4 kg का ब्लॉक, एक्सेलरेशन टेंशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, टेंशन की वैल्यू निकालो, एक बार फिर से भाई चाहो तो अपना नेट पुलिंग फोर्स लगा सकते हो कि इसका मास का इधर कंपोनेंट इसको नीचे पुल करना चाहता है और ये इसको नीचे पुल करना चाहता है, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो वो चीज।
ये सब छोटे छोटे सवाल है, जल्दी खत्म करो इनको। चलो अब एक बार देखो यहां से, चलो शुरू करें। यहां से इधर की तरफ mg का एक बार देखो, नीचे mg जो लग रहा होगा उसी का कंपोनेंट इसको नीचे पुल करेगा, तो इधर की तरफ कितना कंपोनेंट आता है, साइन कितना होगा 100 साइन 37 डिग्री और नीचे के डायरेक्शन में 40। ठीक है भाई, अब ये इसको इधर पुल करना चाहता है, ये इसको, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 100 साइन 37 डिग्री माइनस 40 अपॉन टोटल मास, तो 14 केजी कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40 20 अपॉन कितना 14, यानी कितना 10/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ या ना? क्या ये समझ आया सभी को, किसी को कोई समस्या फटाफट बोलना, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। चलो अब एक बार देखो, टेंशन की बात करें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, किसी एक ब्लॉक को पकड़ो वहां से निकल जाएगा, क्या कहां से आ गया एक बार, 14 कहां से आ गया बेटा, टोटल मास ये 10 केजी और ये 4 केजी, टोटल मास बोल रहा हूं मैं, टोटल मास था ना, तो 14 केजी 10 केजी प्लस 4 केजी किसके बराबर, 14 केजी। चलो यहां से देखते हैं, टेंशन की बारी आएगी तो ये ऊपर जाएगा, तो t माइनस 40 इक्वल्स टू 4 इंटू a के बराबर, यहां पुट करो आ जाएगा अपना आंसर, हो जाएगा ये सवाल, हाँ या ना, क्या ये सवाल हो जाएगा। चलो अगला सवाल, ये रहा 2 केजी का ब्लॉक, ये रहा 2 केजी का ब्लॉक और ये रहा 6 केजी का ब्लॉक, ये एंगल 30 डिग्री, फटाफट एक्सेलरेशन, यहां पे टेंशन मान लेना T1, यहां टेंशन T2, एक्सेलरेशन ए और T1 T2 निकालना है। 100 कहां से आया एक बार देखो बेटा, 100 ये जो mg, जैसे मान लो यहां पे रहता है तो इसका एक कंपोनेंट ये नीचे mg होता है बेटा, और mg का इधर कंपोनेंट, ये सब इसीलिए सिखाया था मैंने, mg साइन थीटा के बराबर होता है, ये चीज बताया था, अगर ये एंगल थीटा है तो 10 kg है, तो इसका mg कितना होगा 100 और उसका कंपोनेंट 100 साइन 37, फटाफट वो निकालो, एक्सेलरेशन टेंशन T1 T2 की वैल्यू निकालो, एक्सेलरेशन और टेंशन T1 T2 की वैल्यू। एंगल 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री है। चलो एक बार देखो, ये इधर की तरफ कौन सा आएगा, इधर की तरफ 20, ये 20 न्यूटन, इधर की तरफ कौन सा 20 साइन 30 डिग्री, यानी ये किसके बराबर, तो 10 न्यूटन, और ये इधर की तरफ 60, यानी ये ब्लॉक पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, हाँ या ना, ये इधर लाना चाहता है 10, ये इधर की तरफ और ये इधर, तो कितना a इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 60 माइनस 10 माइनस 20 अपॉन टोटल मास, 2, 2, 4 और 6, 10 किसके बराबर, 30/10 यानी किसके बराबर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, क्या ये चीज क्लियर। अब बस इसका ये ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है, 3 से, तो लो भाई इसमें T1 ऊपर की तरफ 20 नीचे, क्या लगेगा T1 माइनस 20 इक्वल्स टू 2 × 3 यानी T1 इक्वल्स टू 26 न्यूटन, यही आएगा। रही बात यहाँ से T2 की, तो चलो भाई इसके लिए निकाल लेते हैं ये T2 और नीचे जाएगा, तो चलो देखो कितना आएगा, तो 60 माइनस ऑफ T2 इक्वल्स टू 6 × 2 सॉरी 3, T2 की वैल्यू किसके बराबर, 60 माइनस 18 किसके बराबर, 42 न्यूटन के बराबर, कितने लोगों का सही है फटाफट बोलो, कितने लोगों का सही है। चलो यहाँ से अगला सवाल, ये 8 केजी का ब्लॉक है,
यहाँ पे एक 5 केजी का ब्लॉक है और ये M1 केजी है। M1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, M1 की क्या वैल्यू है, सो दैट 8 केजी विल बी एट रेस्ट, 8 केजी विल बी एट रेस्ट। M1 की वैल्यू निकालनी है जिससे कि 8 केजी, ये सवाल देखो एक बार, 8 केजी ये 5, ये M1, M1 की क्या वैल्यू होगी जिससे कि 8 केजी का जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे रहे। सवाल थोड़ा उल्टा सोचना, समझ आ जाएगा। चलो अब एक बार देखो, यहां से अगर हम लोग देखें तो यार ये अगर इक्विलिब्रियम है, थोड़ा उल्टा यहां से शुरू करते हैं, ये मान लो इस पे तो 80 न्यूटन नीचे लगेगा, ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या टेंशन ये वाला 80 न्यूटन, हाँ कि ना? अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो ये टेंशन 80 न्यूटन, तो ये भी किसके बराबर होगा, 80 न्यूटन, और ये 80, तो एक बात सोचो क्या ये दोनों 40 40 न्यूटन के, हाँ कि ना, ये बताओ। इस पुली के बारे में अगर सोचे, इस पुली के बारे में, तो एक बार देखो नीचे की तरफ मान लो T1, इधर की तरफ भी कितना T1 और ऊपर की तरफ 80, तो ये तो अपने पास पुली क्या है, मासलेस, तो क्या लिखेंगे, 80 - 2 T1 इक्वल्स टू किसके बराबर, मास तो 0, तो यहाँ से 0, तो T1 कितना 40 न्यूटन, T1 40 न्यूटन। अभी एक बार सोचो जब ये पुली रेस्ट पे रहेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम, हाँ कि ना? अगर ये ऊपर जा रहा है ए से तो ये नीचे जाएगा कितने से, ए से। तो अब एक बार देखो सवाल ये हो गया कि यहाँ पे ये एक पुली है, यहाँ एक M1 मास का ब्लॉक है, यहाँ पे एक 5 केजी का ब्लॉक है, यहाँ 40 न्यूटन, यहाँ भी कितना 40 न्यूटन, तो कुछ एक्सेलरेशन वगैरह निकालना है जो भी दिया हो, ठीक है। 40 न्यूटन कैसे आया, वही तो मैंने बताया अभी कि जैसे मान लो ये 8 केजी है रेस्ट पे है तो ऊपर 80 लगेगा। अब एक बार सोचो 80, तो इस पुली के बारे में हम लोग सोचते हैं, यहाँ टेंशन जितना होगा उतना ही टेंशन यहाँ पे, तो देखो 80 - 2 T1 इक्वल्स टू मास 0, तो कितना हो जाएगा, T1 की वैल्यू किसके बराबर, 40 न्यूटन के बराबर। अब एक बार देखो ऊपर 40 न्यूटन ये M1, तो नीचे यहाँ कितना लगेगा M1G, और यहाँ कितना 50, यही लगेगा किसके बराबर 50। तो चलो इसका FBD बनाओ, इसका इक्वेशन लिखे अपन, तो मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है, तो 40 - M1G इक्वल्स टू M1 into A, और जब ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला किधर, नीचे, तो क्या लिखूंगा मैं, तो 50 - 40 इक्वल्स टू 5 into A, यानी A की वैल्यू कितना 2 m/s², और यहां से 2 पुट करोगे, तो चलो आओ इसमें 2 पुट कर लेते हैं, 2 पुट करेंगे कितना आएगा 40 - 40 इक्वल्स टू, एक काम करते हैं ना, 12 M1 हो जाएगा। M1 की वैल्यू किसके बराबर, 40/12 यानी 10/3 m³ के बराबर। कितने लोगों का सही है भाई, 10/3 kg। M1 की वैल्यू किसके बराबर, 10/3 kg के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ, चलो यार यहां से देखते हैं 40/3 की, 40/3 थोड़ी यार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी हुई, 40 तो आएगा ही, ये ऊपर 40 नीचे M1G = M1A, 50 - 40 = 5 into A, A की वैल्यू कितनी 10 2 12, सही तो है यार काम, तुम्हारा ही गलत है। चलो यार देखो यार एक बार इधर, चलो अगला सवाल, ये ऐसा एक ब्लॉक प्लैंक मान लेना, यहां पे एक आदमी खड़ा है, मान लो ये कैपिटल M, ये स्मॉल M, ये चलो ये मान लो पहला सवाल है, ये एट रेस्ट है, सिस्टम इज एट रेस्ट,
तो टेंशन की वैल्यू निकालनी है। सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है, टेंशन की वैल्यू निकालनी और नॉर्मल भी निकाल लेना। कैपिटल एम स्मॉल एम लेकर के चल रहे हैं अपन। सिस्टम जो है रेस्ट पे है, टेंशन टी और कैपिटल एम, यही दोनों चीजें निकालनी, सॉरी टेंशन टी और कैपिटल एन, यही दोनों निकालना है। चलो यार अब एक बार देखो यार, यहां से अगर हम लोग देखें तो इस वाले की बात करें तो एक तो नीचे कैपिटल एम जी लगेगा, ऊपर की तरफ एक टेंशन टी लगेगा। ठीक है भाई, ऊपर के डायरेक्शन में एक टेंशन टी लगेगा, नीचे कैपिटल एम जी। और एक बात सोचो, ये इसको नीचे की तरफ प्रेस करेगा, हाँ है ना? अगर ये इसके ऊपर खड़ा है तो नीचे की तरफ प्रेस करेगा, तो नॉर्मल कितना है, एन के बराबर। ये हो गया इसका एफबीडी। रेस्ट पे है तो क्या लिखेंगे इसके लिए, तो टी इक्वल्स टू कैपिटल एन प्लस कैपिटल एम इंटू जी, इक्वेशन 1। अब इसके ऊपर आते हैं, ये रस्सी को नीचे खींचेगा तो इसके ऊपर टेंशन टी, इसका नीचे एक स्मॉल एम जी और ऊपर की तरफ सेम नॉर्मल कैपिटल एन। क्या लिखेंगे अब इसके बाद, ये भी रेस्ट पे है यानी टी प्लस कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू जी, इक्वेशन 2। एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि टी इक्वल्स टू एम जी माइनस कैपिटल एन के बराबर। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, 2t इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, यानी टी की वैल्यू किसके बराबर, दिस 1, हाँ या ना? टी की वैल्यू ये आ गई, तो एन की वैल्यू निकालना हो तो इसमें उठा के पुट कर देना। कितने लोगों का सही था टेंशन टी की वैल्यू, कितने लोगों का सही था टेंशन टी की वैल्यू? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में क्या दिक्कत आ गई? नॉर्मल रिएक्शन मतलब वापस बता दे, एक बार देखो, मैं बोल रहा हूँ कि ये इसको नीचे की तरफ, अगर आप किसी सरफेस के ऊपर खड़े रहते तो आप किधर प्रेस करते हो, नीचे। तो ये इस पे नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, तो ये इसको किधर की तरफ प्रेस करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। तो इस पे नॉर्मल नीचे, इस पे नॉर्मल ऊपर। चलो यार अगला सवाल, ये एक प्लैंक जिसका मास कैपिटल एम, ठीक इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम, पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ ए से, पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ ए से जा रहा है, हमें ये फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस मैन, फोर्स मतलब एक तरह से टेंशन की वैल्यू निकालनी, निकाल रहा है टेंशन की वैल्यू निकालनी। हाँ नहीं, रोप सेम कहाँ से हो जाएगा यार, ये ऐसा थोड़ी, ये रस्सी से, ये एक रोप है, ये वाला एक रोप है, ये एक रोप है, ये वाला एक रोप है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ये जो है ना इन दोनों पे सेम फोर्स लगा रहा है, ये मान लो, यहां ये मान लो कि दोनों पे सेम फोर्स लगा रहा है, दोनों पे वो सेम फोर्स लगा रहा है, तो उसी टेंशन की वैल्यू, मतलब रस्सी सेम की तरह ही ट्रीट करेगी इसमें, दोनों रोप पे सेम फोर्स लगा रहा है। दोनों रोप के ऊपर सेम फोर्स लगा रहा है वो। चलो यार अब एक बार देखो, यहां से एक तो टेंशन ऊपर के डायरेक्शन में टी लगेगा, ये इसके ऊपर भी टी लगेगा, और नीचे कौन सा,
कैपिटल एम जी और एक नॉर्मल, यही सारे फोर्सेस तो पिछले वाले में देख ही लिए इसलिए। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मान लो टू टी माइनस कैपिटल एम जी माइनस एन इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए के बराबर। इक्वेशन कितने, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये रोप को नीचे खींचेगा तो ये रोप इसको ऊपर की तरफ टी से, एक नीचे इसके ऊपर है स्मॉल एम जी और ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल ये लगेगा, ये ऊपर जाएगा सिस्टम तो ये भी ऊपर ही जाएगा सेम एक्सेलरेशन से, तो एन प्लस टू टी माइनस ऑफ स्मॉल एम जी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, इक्वेशन टू। कितने लोगों ने यही इक्वेशन बनाया, कितने लोगों ने यही इक्वेशन बनाया। चलो अब इसमें क्या करें, एक काम करते हैं दोनों को ऐड कर दो, नॉर्मल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉर्मल हमारा कितना कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा फोर टी, कितना टू टी प्लस टू टी, फोर टी माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए के बराबर। ए की वैल्यू बस याद, टी की वैल्यू किसके बराबर, टी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी प्लस ए अपॉन कितना फोर। कितने लोगों का सही है जरा ये बताना, कितने लोगों का सही, चलो यार अब ये अब इस तरीके के सवाल हो जाएंगे यार, पुली वगैरह जो भी इंक्लाइंड प्लेन वगैरह है ये सारे सवाल हो जाएंगे। अब चलो नेक्स्ट, अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सूडो फोर्स के बारे में, नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला पार्ट देखते हैं ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला देखो, अब एक बात देखो ये चीज तो पता होगा, दो तरह का फ्रेम की बात करेंगे हम लोग, दो तरह के फ्रेम की बात करेंगे, एक हमारा कौन सा इनर्शियल क्या हो गया फोर्स एग्जर्टेड टू टू टी होगा ना, मतलब अगर भाई एक रस्सी टेंशन की वैल्यू पूछ रखी थी ना मैंने, तो वहां टी पूछा था बेटा, मैंने टी पूछा था ना बेटा, टी पूछा था, ठीक से देख कर लो। टोटल फोर्स अगर पूछा जाएगा तो वो लगाएगा फिर वहां पे, तो फिर टू टी लगेगा क्योंकि वो दोनों पे लगा रहा है, अगर केवल टेंशन पूछे तो वो आंसर उसमें क्या है यार। अब यहाँ देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारा क्या रहेगा, दो तरीके के फ्रेम की बात करेंगे, एक हमारा कौन सा इनर्शियल फ्रेम और दूसरा कौन सा रहेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ठीक है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होगा, ये फ्रेम का मतलब क्या है पहले ये चीज समझ लो कि आप किसके रेस्पेक्ट में चीजें देख रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे मान लो मैं मूव कर रहा हूँ, आप अपने घर पे बैठ करके देख रहे हो ठीक है, ग्राउंड पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो, तो बेड आपका कैसा है रेस्ट पे है, तब वहां रेस्ट पे बैठ करके जिसके ऊपर आप बैठ करके देख रहे हो वो आपका फ्रेम कहलाएगा। जैसे मान लो आप ऑब्जर्वर हो, आप किसके ऊपर बैठे हो बेड के ऊपर, तो वो आपका बेड जो है वो क्या होगा फ्रेम, आप मेरे मोशन को देख रहे हो सकता है कि मान लो अगर आप रोटेटिंग जैसे ट्रेन के अंदर बैठ के मेरे मोशन को ऑब्जर्व करो, तो ये जिसके ऊपर बैठ करके हम लोग किसी के ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे वो हमारा क्या कहलाता है फ्रेम ठीक है। मान लो मैं जमीन पे खड़ा होकर के ट्रेन में कोई आदमी जा रहा है उसके मोशन को ऑब्जर्व करो, या एक बार ऐसा हो जाए तो इस केस में क्या है कि जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं वो रेस्ट पे। दूसरा अगर कभी ऐसा हो जाए कि मान लो मैं बस के अंदर बैठा हूँ ठीक है, बस के अंदर बैठा हूँ, बस जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, अब उसके बाद एक दूसरा आदमी जो ग्राउंड पे है वो भी मूव कर रहा है या अपने बाइक से जा रहा है, अगर मैं उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं कैसे फ्रेम में हूँ, एक मूविंग फ्रेम में हूँ जो कि एक बस के अंदर हूँ जो कि किस कैसी वेलोसिटी से जा रहा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कैसी वेलोसिटी से कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ठीक है, तो वो उस समय क्या हो गया फ्रेम हो जाएगा। या अगर मान लो बस ये ट्रेन के अंदर मैं बैठा हूँ, बाहर के आदमी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो भी क्या हुआ ट्रेन जो हो गया वो हमारा फ्रेम हो गया। तो ये दो तरीके के फ्रेम की बात करेंगे, एक हमारा इनर्शियल, दूसरा होगा कौन सा नॉन इनर्शियल। अगर मान लो जिसके ऊपर हम बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं
वो या तो एट रेस्ट हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो हमारा कौन सा फ्रेम होगा? इनर्शियल। अगर वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, वो कैसा फ्रेम है? एक्सेलरेटेड। अब एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हो गया? हो सकता है कि लीनियर एक्सेलरेशन भी हो, या लीनियर मोशन में भी एक्सेलरेटेड हो, या अगर रोटेशनल भी हो, ठीक है, रोटेशनल भी हो। दोनों केस में, जब भी अगर मान लो अपने पास रोटेशनल मोशन होगा, या पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है। तो या तो रोटेटिंग फ्रेम हो या अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, दोनों केस में हमारा कौन सा फ्रेम कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, फ्रेम की बात हो गई, कि दो तरह का फ्रेम, एक इनर्शियल, दूसरा कौन सा? नॉन इनर्शियल। अगर हम जिसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं वो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कैसा फ्रेम? इनर्शियल। अगर वो एक्सेलरेटेड है या रोटेट हो रहा है, तो कैसा? नॉन इनर्शियल। मान लो एक आदमी एक ऐसे कार्ट के ऊपर बैठा हुआ है, जो ये कार्ट अगर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हो, अगर इसके ऊपर कोई बैठ के किसी दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करे, ये कैसा फ्रेम? इनर्शियल। यही अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाए और तब इसके ऊपर बैठ के देखे किसी दूसरे के मोशन को, तो कैसा फ्रेम? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। या जैसे मान लो, सपोज ये एक ऐसा सिलेंडर है, सिलेंडर या फिर ऐसा हॉलो सिलेंडर, मान लो ये रोटेट हो रहा है, आप इसके ऊपर बैठ करके देखना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को, तो ये भी कैसा हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम। पहले ये बताओ, क्या पहचान हो जाएगी कि कौन सा इनर्शियल कौन सा नॉन इनर्शियल? ये बताओ भाई, फटाफट बोलो। पहचान तो हो जाएगी अब कि कौन सा इनर्शियल या कौन सा नॉन इनर्शियल। अब एक बात देखो यार, कैसे डील करते हैं यहाँ पे हम लोग। ये बोला जाता है कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है ना, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो उसको पहले समझते हैं एक बार कि कैसे वैलिड नहीं होता है, आखिर क्या तरीका होगा फिर वैलिड कराने का। तो देखो यार, मान लो इस ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 5 kg का ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। दो आदमी देख रहे हैं इसको, ये दो अलग अलग फ्रेम में। एक आदमी इस ग्राउंड पे खड़ा है, और दूसरा आदमी जो है एक इस कार्ट के ऊपर, एक कार्ट के ऊपर बैठा हुआ है। एक आदमी इस ग्राउंड के ऊपर बैठा हुआ है और दूसरा आदमी इस कार्ट के ऊपर है, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। ये आदमी बी हो गया, इसको मानता हूं मैं ए। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है, अगर आप नॉर्मल ग्राउंड पे खड़े हो तो विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करें तो क्या होगा? तो देखो यार, एक बार सोचो, ए के बारे में बात करें तो ये 5 kg का ब्लॉक नीचे, इस पे इसको क्या लगेगा? नीचे 50 न्यूटन लग रहा है, ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है। ठीक है भाई, ये बोलेगा कि यार एन इक्वल्स टू जो है वो 50 न्यूटन के बराबर है, और ये ब्लॉक रेस्ट पे है, इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको दिखेगा भी कि हाँ यार, एक ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये ब्लॉक रेस्ट पे है। बोलेगा हाँ, मैं दिखाई भी दे रहा है और फोर्स के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई भी हो रही चीजें। लेकिन अगर बी के रेस्पेक्ट में देखें, विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर देखा जाए, तो ये इसको क्या एक्सेलरेटेड दिखेगा? हाँ, है ना। बी को कैसा दिखेगा? ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे जाता हुआ, हाँ या ना, ये बताओ। इस बी वाले को ये दिखेगा कि वो 2 से पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर हम फोर्स बनाए तो एक फोर्स तो यही लगेगा कि 50 न्यूटन नीचे और ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल एन लगेगा। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, इस वाले इंसान के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बोलेगा नीचे 50 लग रहा है, ऊपर नॉर्मल, दोनों बराबर होंगे, इसीलिए ये रेस्ट पे। इसको दिखेगा ये कि 2 से ये पीछे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है, लेकिन अगर फोर्स बनाए तब तो ये। तो एक बार सोचो, न्यूटन ने बोला था कि यार फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो चलो यार, वो बोलेगा कि नॉर्मल ऊपर, 50 नीचे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर, इसीलिए ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन बी बोलेगा कि मुझे फिर इधर जाता हुआ क्यों दिख रहा है? बी ये बोलेगा कि मुझे फिर इधर की तरफ जाता हुआ क्यों दिख रहा है 2 से, मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है कि इसका एक्सेलरेशन 2 इधर की तरफ है, तो मुझे इधर की तरफ 2 से क्यों जाता हुआ दिखेगा? तो फिर वो इस ये बताया गया कि अपने पास ये न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो इस वाले नहीं, यानी एक्सेलरेटेड जो फ्रेम है उसमें वैलिड
नहीं होता है। तो हमने क्या तरीका निकाला कि आप एक काम करो कि जब भी अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखना हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो कि जिसके ऊपर जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है आप उसके ऊपर उसको रोक दो। इसके ऊपर जैसे ही बैठोगे तो इसके इस ब्लॉक के ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कितना मास इस ब्लॉक का और एक्सेलरेशन कितना जो एक्सेलरेटेड फ्रेम का होगा, उतना मास इनटू एक्सेलरेशन एक अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ। अपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस ये इधर की तरफ जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ लगाओ। ये हमारा यही एक होता है सूडो फोर्स। ये क्या हो गया, सूडो फोर्स। यही बोला गया कि आप एक काम करो इस ब्लॉक के ऊपर, जिस ब्लॉक का भी मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो उस ब्लॉक के ऊपर आप एक सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास किसका, ब्लॉक का, एक्सेलरेशन किसका, जो उस एक्सेलरेटेड फ्रेम है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाओ। उसके बाद आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब उसने सोचा कि चलो यार ऊपर नॉर्मल नीचे 50, ठीक है भाई दोनों बराबर होंगे, ऊपर नीचे के डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन इस डायरेक्शन में एक मास इनटू एक्सेलरेशन नाम का एक सूडो फोर्स लग रहा है जिस कारण से मुझे इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिखेगा। ये भी बोलेगा कि हाँ यार न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ये भी चीजें सेटिस्फाई हो रही है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले इसको ये लगा कि ऊपर नॉर्मल नीचे 50, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बोला कि हाँ यार चलो ऊपर नॉर्मल लग रहा है नीचे 50 इसीलिए मूव नहीं कर रहा। लेकिन इस वाले पर्सन को, इस बी को दिखेगा कि ऊपर नॉर्मल नीचे 50 लेकिन 2 से इधर जाता हुआ दिखेगा, तो एफ इक्वल्स टू एम ए से इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा तो इधर कोई एक्सेलरेशन आना नहीं चाहिए। तो फिर इसने सोचा कि आखिर ये ऐसा इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो फिर वैलिड ही नहीं है, इधर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा फिर भी एक्सेलरेशन मुझे दिख रहा है। तो फिर हमने क्या सोचा, एक काम करते हैं कि इसको रोक देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक एम इंटू ए नाम का एक सूडो फोर्स लगाते हैं जहां पे एम जो है वो मास ऑफ ब्लॉक है, एम जो है वो मास ऑफ ब्लॉक है और ए जो है एक्सेलरेशन ऑफ, ए क्या है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ किसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। ये अगर हमने एक इस नाम से एक सूडो फोर्स अगर लगाया तो फिर ये सूडो फोर्स जो होगा वो फिर हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को सेटिस्फाई कर देगा। वो बोलेगा कि यार एक इधर की तरफ सूडो फोर्स कितना लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इस कारण इस ब्लॉक के पास एक ए एक्सेलरेशन आएगा जो कि कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हुआ कि कैसे हम बोल रहे हैं कि एक सूडो फोर्स लगाने से, सूडो का मतलब ही क्या होता है, झूठा फोर्स, यानी एक्चुअल में नहीं लगता है, लेकिन ये लगाने से हमारा ये हो जाता है, ये न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो सेटिस्फाई कर जाता है। इस इंसान को बस ये लगने लगता है कि हाँ यार एक इधर की तरफ फोर्स भी लग रहा है और इधर की तरफ एक्सेलरेशन भी इसी फोर्स के कारण आया हुआ, ठीक है।